नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में बालू के बारे में। बालू को लेकर पिछले कई दिनों से जो है मीडिया में कई तरह की खबरें चली। सरकार की तरफ से भी जो है इसको बालू में अवैध खनन को रोकने को लेकर जो है कई तरह के अभियान चलाए गए, जिसमें कई पुलिस अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। ऐसे में बालू को लेकर एक नई जानकारी सामने आई है। बिहार में NGT के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक बालू खनन बंद रहने के बाद अब शुक्रवार यानी कि 1 अक्टूबर से जो है 8 जिलों में बालू घाटों में फिर से बालू खनन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि नवादा, अरवल, बांका, बेतिया, मधेपुरा, किशनगंज, वैशाली और बक्सर जिला शामिल है, जहां पे जो है एक बार फिर से बालू खनन की शुरुआत शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इन जिलों में बंदोबस्ती की समय सीमा 30 सितंबर तक तय की गई थी, लेकिन इधर सरकार ने पुराने बंदोबस्ती ही बालू का खनन करेंगे। वहीं अन्य 8 जिलों में बालू घाटों में जो है बंदोबस्ती टेंडर के माध्यम से होगी, इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी का भी इंतजार है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पिछले साल की समाप्ति के समय राज्य में 16 जिलों में बालू का खनन हो रहा था, जिसमें से 317 नदियों के घाटों से जो है नई बंदोबस्ती प्रक्रिया न्यायालय में विचाराधीन रहने के कारण पुराने बंदोबस्ती को ही राजस्व बढ़ाकर खनन की अवधि के विस्तार का निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया था। इसके बाद पहले 2 जिलों में बंदोबस्तियों में, फिर 1 जिला यानी कि गया, और उसके बाद फिर 5 जिलों में बंदोबस्ती के बालू खनन ने मना कर दिया। आपको बता दें कि हर साल NGT 1 जुलाई से खनन पर रोक लगा देती है, लिहाजा हर साल खनन का कार्य बंद हो जाता है। इस हिसाब से 1 अक्टूबर से रोक हटने के बाद एक बार फिर से जो है खनन शुरू होगा, लेकिन इसमें समस्या यह है कि पटना समेत 5 जिलों में इस बार खनन कंपनियां ब्रॉडसन ने खनन कार्य करने से साफ मना कर दिया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि पिछले लंबे समय से बालू की किल्लत अभी भी जारी रह सकती है, लोगों के महंगे दाम में बालू खरीदना पड़ सकता है। गया जिले के नदी घाटों में बंदोबस्तधारी ने भी इससे पहले बालू का खनन बंद कर दिया था। इसके बाद सभी 6 जिलों के बालू घाटों में बंदोबस्ती नए सिरे से करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए पर्यावरणीय स्वीकृति नए सिरे से करना पड़ सकता है। ऐसे में पुराने बंदोबस्ती के नदी घाटों पर खनन के लिए पहले से मिली पर्यावरणीय स्वीकृति को नए बंदोबस्ती के स्थानांतरित करने की व्यवस्था करने की बात महसूस की जा रही है। आपको बता दें कि बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई थी, इसके बाद से 4 दर्जन अधिकारियों पर जो है कार्रवाई की गई है। इसमें 2 जिलों के SP को भी निलंबित किया गया, वहीं 4 DSP व अन्य अधिकारी को भी सस्पेंड किया गया है। ऐसे में अब देखना है कि जब एक बार फिर से बालू का खनन शुरू होगा तो इसमें सरकार कितना कालाबाजारी रोक पाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले अगर हम शुरुआती दिनों की बात करें बालू खनन को लेकर, तो उसमें कई तरह के फर्जीवाड़े के मामले जो है सामने आए, खास करके 1 जुलाई के बाद से जिसमें बालू का जो है खनन रोका गया। उसके बाद से जो है कई ऐसे तस्वीरें मीडिया में सामने आई, जिसमें जो कहे अधिकारियों की मिलीभगत के कारण जो है अवैध बालू का खनन हो रहा था। उसके बाद से प्रशासन एक्शन में आया और कई पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी जो है वो इसकी चपेट में आ गए, और वो जो है अब एक तरह से कह लें कि उन पे बिहार पुलिस प्रशासन की तरफ से बड़ी गाज देखने को मिली है। ऐसे में अब जो अच्छी खबर बालू को लेकर वो सामने आया, उसमें 8 जिलों में जो है बालू खनन का कार्य जो है एक बार फिर से 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।